अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। कराची से गिरफ्तार एफबीआई एजेंट की मुकामी अदालतें जमानत मंजूर कर ली, जल्द रिहाई का इम्कान। अमरीकी हुकाम ऑर्डरली थाने पहुंच गए। इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन में धांधली के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जाने की तजवीज दे दी। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस के काफिले के करीब धमाका, नौ अहलकार शहीद हो गए। शवाल में खान सैद सजना और शहरियार महसूद ग्रुप में लड़ाई, 10 तालिबान हलाक। एमकेएम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेगी। मौलाना लुत्फुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मुंतखब कर लिया गया। आलमी इदारे सेहत का बैरून मुल्क जाने वालों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए इमदाद देने से इनकार। सर्टिफिकेट के इजरा के लिए दो हफ्तों का वक्त देने पर आमादा। कोटरी पावर स्टेशन को गैस की फ्राहमी शुरू, सिस्टम में 100 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा। और पंजाब की खवातीन हॉकी टीम टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारत रवाना हो गई।